प्रादेशिक भाषाई समाज उत्तरी राजस्थान के सभी पदाधिकारी, सभी अभिभावकगण, सभी बच्चे, आप सभी को मेरा हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक अभिवादन। मुझे बड़ा गर्व हो रहा है कि आज जो है मुझे आज बीकानेर आने का अवसर मिला, आज आप सबके बीच में जो है आने का अवसर मिला। और मैं स्पेशली जो है दरक साहब का जो है अभिनंदन करना चाहूँगा, जिन्होंने स्पेशली इसके बारे में मुझे बताया। सर का भी मुझे फ़ोन आया, तब मैंने दरक साहब को यही कहा था कि सर का फ़ोन आ गया, वो अपने आप में एक आदेश है। तो जैसे पता नहीं था, क्योंकि जैसा मैडम ने भी बताया कि हमारे समाज के अंदर जो है सिविल सर्विसेज के अंदर कम नहीं, मुझे लगता है बिल्कुल शून्य के बराबर जाते हैं। तो ना मेरे पेरेंट्स को इसके बारे में पता था, इनफैक्ट पेरेंट्स ने तो मना किया था। जब मैंने अपनी मम्मी को सबसे पहले बताया कि मैं जो है सिविल सर्विस की तैयारी करना चाहता हूँ, तो उन्होंने बोला कि नहीं नहीं ये नहीं करना, बड़ा मुश्किल काम है, तुम्हारी नौकरी लग गई है, आराम से नौकरी करो। और पेरेंट्स कहते हैं कि 2-3 साल में आपकी शादी हो जाएगी, सेटल हो जाएंगी और फिर जो है ठीक रहेगा। बट फिर मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी, लकीली जो है मेरे घर के बाहर एक आरएएस ऑफिसर रहते थे, वो बाद में आईएएस बन गए जयपुर में ही, आज वो रिटायर्ड हैं, सेटल्ड हैं, श्री जीएल गुप्ता जी उनका नाम है। तो होली दिवाली पर जो है हमें पेरेंट्स उनके पास में जाते थे धूप देने के लिए, पैर छूने के लिए जाते थे। तो उन्होंने फिर जो है मेरे पेरेंट्स को समझाया कि इसको जो है आप तैयारी करने दो, इसको मना मत करो। तो तब जाके जो है मेरे उस समय पेरेंट्स जो है इस चीज़ के लिए हामी भरे। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें थी। 2009 में मैंने फिर ये तैयारी शुरू करी। 2009 के बाद एक साल तक जो है मैं जॉब भी करता रहा, चेन्नई में मैं जॉब कर रहा था। सुबह हम ऑलमोस्ट 5 बजे उठता था, एक छोटी सी वहाँ पे कोचिंग थी, तो चेन्नई के एक कोने से दूसरे कोने तक लगभग 35-40 किलोमीटर में बाइक से ट्रैवल करता था। 2 घंटे क्लास लेता, पढ़ाई करता था, फिर वहाँ से वापस 1 घंटा ड्राइव करके वापस अपनी जॉब के लिए कंपनी में आता था। और शाम को 5-6 बजे 7 बज जाती थी, क्योंकि आईटी कंपनी थी तो टाइम की कोई सीमा नहीं होती। आपको 8 बजे भी बैठना पड़ सकता है, आपको 9 बजे तक भी बैठना पड़ सकता है। आपके मैनेजर को सिर्फ आपके काम से मतलब है, उनको नहीं फर्क पड़ता कि आप रात 11 बजे तक बैठ रहे हैं या 12 बजे तक बैठ रहे हैं। तो दिन में हम कोशिश करते थे कि हमारा लंच ब्रेक 1 घंटे का होता था, तो मैं वो लंच ब्रेक जो है 5-7 मिनट में अपना लंच करता और 40 मिनट चुराता था कि थोड़ी सी और पढ़ाई करता। ऐसे करके जो है टाइम निकालते थे और फिर जो है रात को पहुँच के फिर थोड़ी देर सो के फिर रात को वापस तैयारी करते। तो लगभग जो है 5-6 घंटे जो तैयारी के लिए मिल पाते थे और पूरा दिन जो है जॉब में निकल जाता था। तो बड़ा मुश्किल रहता था, बट ये है कि उस समय जो तैयारी करी, उस समय जो मेहनत करी, वो आज जो है काफ़ी काम आती है। और वो दिन जो है हमेशा याद आते हैं कि जब सबसे ज़्यादा मेहनत अगर कभी लाइफ में करी तो शायद उन 1-2 सालों के अंदर करी। 2010 के अंदर मैंने अपना पहला अटैम्प्ट दिया, तब जो है मैं चेन्नई से मैंने अपना पहला अटैम्प्ट दिया था। उस टाइम क्योंकि इतनी टाइम मिलता नहीं था, मैं इंटरव्यू तक ही पहुँच पाया पर मैं सिलेक्ट नहीं हो पाया था। 2010 के अंदर फिर मैं 2011 के अंदर फिर मैं बैंगलोर आ गया। और मुझे तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैडम भी आईबीएम में जॉब कर चुकी हैं, मैं खुद आईबीएम बैंगलोर में 2011 और 12 के अंदर 1 साल जॉब कर चुका हूँ। तो वहाँ से जो है फिर मैंने अपना सेकेंड अटैम्प्ट देने की सोची। और जब पहले अटैम्प्ट का रिजल्ट आया तो जो मेरा मैनेजर था तो उनके उसके सामने मैं काफ़ी रोया, क्योंकि इंटरव्यू तक मैं पहुँच गया था, सिलेक्ट हो गया। पूरा दिन पूरी रात जो है मैंने अपनी टीम को हिला के रखा कि सर मैं सिलेक्ट नहीं हुआ, मैं सिलेक्ट नहीं हुआ। तो बेचारा मेरा मैनेजर खुद इतनी परेशान हो गया, उसने कहा कि तो फिर से एक अटैम्प्ट और देख के आ, अगर नहीं सिलेक्ट होता है तो आईबीएम हमेशा तेरे लिए खुली रहेगी। सिर्फ उसका इतने से कहने से जो है मेरे अंदर एक अलग सी एनर्जी आई कि जो है अब वापस आकर फिर तो देखे आते हैं, नहीं सिलेक्ट हो तो आईबीएम तो आपके लिए खुली है। तो तो इस तरह से जो है आप देखेंगे कि लगभग हर किसी सिविल सर्वेंट की कुछ ना कुछ कहानी पीछे छुपी रहती है। आप देखेंगे कोई किसान की बेटी है, कोई किसान का बेटा है, किसी ने जो है बिना कोचिंग के साथ सिलेक्शन करी, किसी ने अखबार भेजा है, कोई जो है किसी की फैमिली के अंदर 4 भाई बहन सिलेक्ट हो गए, सभी के पीछे जो है कोई ना कोई मोटिवेशनल स्टोरी छुपी होगी। आप गूगल करके देखेंगे तो आपको अनगिनत स्टोरीज मिल जाएंगी। तो कहने का तात्पर्य ये है कि कुछ भी जो है मुश्किल जरूर है पर नामुमकिन बिल्कुल नहीं है। अगर ये सब कर सकते हैं तो आप और मैं भी कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है। इसके लिए आपको कोई गॉड गिफ्टेड ब्रेन होने की जरूरत नहीं है, आपको कोई ऐसा नहीं है कि आपको जो है सुपर शार्प इंटेलिजेंट होना चाहिए और स्कूल के अंदर आपके हमेशा अच्छे मार्क्स आने चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं। अगर आप कॉमन सेंस के साथ
सिर्फ मेहनत के साथ तैयारी करेंगे तो आप जो है जरूर सिलेक्ट हो जाएंगे। तो मैं कहना चाहूंगा कि जैसे मैडम ने भी बताया कि हम सिविल सर्विसेज में आना क्यों चाहते हैं, देखिए सबसे बड़ी चीज जो है कि आप जो है समाज को कुछ वापस दे सकते हैं। आप किसी और जॉब में होते, जैसे मैं आईबीएम में रहा, बैंगलोर में रहा, चेन्नई में रहा, पैकेज आपको आप कॉर्पोरेट सर्विस के अंदर अच्छा मिल जाएगा, पर जो आप समाज को वापस दे सकते हैं, देश को, अपने गाँव को वापस दे सकते हैं, वो इस समय हिंदुस्तान की किसी और नौकरी में आप नहीं दे सकते। सिर्फ एक यही एक नौकरी है जिसमें आपको अल्टीमेट जॉब सेटिस्फेक्शन मिलता है। मैं आपको एक छोटा सा वाक्य सुनाना चाहता हूँ, वो मेरे को हमेशा याद रहता है। जब भी मैं ऑफिस में बैठता हूँ, मेरे से कोई गलती होती है, हमें कंप्लेंट मिलने आता है। 2014 की बात है, मैं जस्ट सिलेक्ट हुआ था एनपीएसए ट्रेनिंग करके, मेरी एज असिस्टेंट एसपी बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में पोस्टिंग हुई थी। बिलासपुर जो है पंजाब के रोपड़ डिस्ट्रिक्ट के पास है, और कुछ हफ्ता भर ही मेरे को जो है ज्वाइन करे हुआ था। तो मेरे पास एक बच्चा आया था रेवाड़ी से, और उसने बोला सर मैं आर्मी की जॉब कर रहा के लिए तैयारी कर रहा था, और जो है ये मेरी मदर है, ये मेरे फादर हैं, वो अपने पेरेंट्स के साथ आया था, और उसने कहा कि हमने जो है 5 लाख रुपए भर्ती होने के लिए दिए हैं, और किसी फलाने आदमी का नाम दिया रेवाड़ी के अंदर कि उसको दिए हैं। तो मैंने कहा कि आप अपनी शिकायत दे दीजिए और हम देखते हैं। फिर उसके 3-4 घंटे बाद मेरे को लगा कि शायद मैंने जो है गलती कर दी। फिर मैंने उसको रात को वापस फ़ोन किया, तो उसने कहा कि सर मैं तो वापस जो है रेवाड़ी के लिए निकल गया हूँ। फिर मैंने अपने ड्राइवर पीएसओ को कहा कि इसको फ़ोन करो, इसको वापस लेके आओ। तो मुझे लगा कि शायद मैंने जो है इसके साथ ढंग से बर्ताव नहीं किया, मेरे को जो है इसको यहीं बैठाना चाहिए था, इसकी पूरी स्टोरी सुननी चाहिए थी। तो शायद मुझे अंदर से लगा कि मैं ये बच्चा जो है सही बोल रहा है। फिर हमने जो है उसके ऊपर एक केस रजिस्टर किया, उसके बच्चे के सारे पैसे रिकवर कराए, और आज वो बच्चा फिर वापस आर्मी में सिलेक्ट हुआ, और अब नहीं पूछते और वो कहता आज भी मेरे साथ कॉन्टैक्ट में है, और वो कहता है कि सर अगर उस टाइम ये केस रजिस्टर नहीं हुआ होता तो शायद मैं आर्मी की नौकरी कभी नहीं करता, मेरा फौज से जो है हमेशा के लिए भरोसा हो जाता। तो दैट इज़ द पावर ऑफ सिविल सर्विस, जो आप एक कॉर्पोरेट सर्विस के अंदर नहीं कर सकते, जो आपको सिर्फ इसी सर्विस के अंदर मिलेगी। चाहे आप आईएएस बने, चाहे आरएएस बने, चाहे आईपीएस बने, आईआरएस बने, आरपीएस बने, कुछ भी बने, पर हर फील्ड के अंदर आपको एक बार कोई ना कोई मौका जरूर मिलेगा जहाँ पे आप जो है लोगों की सेवा कर सकते हैं, किसी आदमी के साथ जो है किसी का भला कर सकते हैं, किसी का दुख जो है कम कर सकते हैं, उसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, वो आपको जो है कहीं। इसके अलावा और छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे कोविड के अंदर हम कॉरपोरेट के अंदर देखते हैं कई प्राइवेट जॉब्स हैं उनकी जो है, हमारे फ्रेंड्स हैं किसी की जॉब छूट गई, किसी की सैलरी कम हो गई, तो ये जो जॉब सिक्योरिटी है वो सिविल सर्विसेज के अंदर आपको हमेशा मिलेगी, जो शायद किसी और सर्विस के अंदर आपको ना मिले। नेक्स्ट स्लाइड देखो, तो ये एक चीज़ है कि जो सबसे ज़्यादा जरूरी है, बट ये आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि क्यों ये सिविल सर्विसेज इतनी आसान भी नहीं है। एक चीज़ जो है सभी प्रोफेशंस के अंदर कॉमन है, दैट इज़ हार्ड वर्क, मेहनत आपको करनी पड़ेगी, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे अभी कोई भी राजनेता हो, कोई फिल्म स्टार हो, चाहे विराट कोहली क्यों ना हो, अगर उनको भी सेंचुरी मारनी है, या अभी T20 के अंदर जैसा उन्होंने पाकिस्तान के मैच में परफॉर्म किया, तो वो सिर्फ परफॉर्मेंस हम देखते हैं, उसके पीछे का जो हार्डवर्क उन्होंने किया होगा वो आप और मैं समझ भी नहीं सकते। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि 5-6 घंटे की जो है मेरे को मेहनत उस टाइम भी करनी पड़ती थी जॉब के साथ, और वो बड़ी मुश्किल से जो है टाइम मिल पाता था, बट ये जो है ये बहुत ज़रूरी है। और आपका टाइम मैनेजमेंट जो है ये भी होना बहुत जरूरी है, कि आपको ये समझना पड़ेगा कि मुझे कब सोना है, कब उठना है, कितने टाइम मेरे को खाना खाना है, कितना टाइम मेरे को पढ़ाई के लिए निकालना है। बाकी आपके फ्रेंड्स जो है, जैसे मैं तैयारी करता था और मैं चेन्नई में था, तो मेरे फ्रेंड्स जो है पास में बीच पे चले जाते थे, कहते थे कि चलो 1 घंटा घूम के आते हैं, तो मुझे वो भी कट करना पड़ता था, क्योंकि जो वो लेजर टाइम है वो कम करके जो है पढ़ाई के लिए निकालना पड़ता था। मैं चेन्नई में था तो चेन्नई से जयपुर आने के लिए तो ये था कि 7 दिन की विंडो चाहिए, तो होली दिवाली पे हमेशा मन करता था कि घर पे अपनी दिवाली मनाएं, बट वो भी कट करके जो है वहीं पे रहना पड़ता था और तैयारी करनी पड़ती थी। तो ये सब सेक्रीफाइसेस आपको जो है हमेशा देने पड़ेंगे, तब जो है आप जो है उस मुकाम तक पहुँच पाएंगे। बट UPSC एक ऐसी चीज़ है कि जिसके अंदर सिर्फ मेहनत ही काम नहीं आती, मेहनत के साथ स्ट्रैटेजी भी बहुत ज़रूरी है, कि हार्डवर्क विद प्रॉपर स्ट्रैटेजी, कौन सा काम कैसे करना है सही तरीके से, सही काम सही समय पर होना चाहिए, तब जो आप जो है UPSC के बाहर पहुंच पाएंगे। आज भी जब हम दिल्ली जाते हैं किसी मीटिंग्स के लिए जाते हैं, तो कभी बाई चांस UPSC के बाहर से निकलना होता है, तो आज भी हमें रोंगटे खड़े हो जाते हैं, तो लगता है वो दिन याद आता है कि जब इंटरव्यू के लिए टाई पहन के खड़े हुए थे,
पीछे 15 लोग 20 लोग खड़े हुए थे और एक एक करके जो है वो CISF का जवान हमें अंदर एंट्री देता था, तो हम बाहर से देखते रहते थे कि पता नहीं अंदर क्या ही है, अंदर भगवान बैठे हैं जो अंदर आपका सिलेक्शन कर रहे हैं। तो हमेशा जो है रोंगटे खड़े हो जाते थे और वो आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो UPSC आपको हर दिन हर मिनट टेस्ट लेती है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रीलिम्स मेंस और इंटरव्यू के अंदर जो है आपका एग्जाम होगा। अगर आप 2 साल तैयारी कर रहे हैं तो आप मान के चलिए 2 साल 24 महीने हर मिनट हर सेकंड आपका जो है UPSC एग्जाम दे रही है। वो कैसे ले रही है वो आपको पता भी नहीं चलेगा, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तब आपको समझ आएगा कि मेरे से जो है क्या क्या चीज़ें जो है मेरे अंदर चेंजेस आए हैं, क्या मैंने तैयारी करी, क्या मेरे से सही हुआ, क्या मेरे से गलत हुआ। इनफैक्ट कई बच्चे जो है ये सोचते हैं कि हम जो है पहले प्रीलिम्स क्लियर कर लेते हैं फिर अगले अटेम्प्ट में मेंस क्लियर कर लेंगे फिर उसके अगले अटेम्प्ट में इंटरव्यू क्लियर कर लेंगे, ऐसा नहीं। मेरी स्कूल के अंदर एक मैथ्स के टीचर होते थे, वो कहते थे कि अगर कोई चीज़ करनी है तो बिल्कुल टॉप पे करनी है, अगर किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है तो एम फॉर IIT, नथिंग लेस नथिंग मोर, अगर जाना है तो वहीं जाना है नहीं तो कहीं नहीं जाना है। तो वो चीज़ हर प्रोफेशन में जब तक हम मरेंगे नहीं तब तक ये हमारी लाइफ में जो है हमेशा एप्लीकेबल रहेगी, चाहे आप लॉयर बनिए, चाहे आप इंजीनियर बनिए, चाहे आप डॉक्टर बनिए, बट एम फॉर द बेस्ट, बिल्कुल जो टॉप मोस्ट चीज़ जो इस दुनिया के अंदर है आपको वो टारगेट करनी चाहिए कि मुझे वो लेनी है। अब वो टारगेट करेंगे तो कहीं ना कहीं उसके नीचे तो पहुंच ही जाएंगे। और एक एक चीज़ जो है जो मेरे से जो है मुझे लगता था कि मेरे से गलती हुई थी कि जब मैं 2009 के बाद सिलेक्ट हो गया था तो उसके बाद जो है तब मैंने जो ये प्रिपरेशन शुरू करी, काफ़ी लेट हो गया था कि 2009 के बाद मैंने 2010 का अटेम्प्ट दिया था। तो आज मैं सर के साथ हम डिस्कस कर रहे थे, आप ही में से एक बच्चा हमारे साथ बैठा था, मुझे पता नहीं अभी वो यहाँ पर है या नहीं, तो वो कह रहे थे कि वो 3rd year के अंदर हैं, तो दैट इज़ द अपनी कॉलेज की पढ़ाई कर रहे हैं और दैट इज़ द राइट टाइम टू स्टार्ट। देखिए UPSC जो है आप किसी भी कोचिंग में चले जाएंगे किसी भी इंस्टीट्यूट में चले जाएंगे वो आपको पॉलिश कर पाएगी, बट जो बेसिक आपकी मेहनत है जो बेसिक आपके कंसेप्ट हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स के अंदर वो आपको सेल्फ स्टडी करके ही तैयार करनी पड़ेगी। और वो जो है आप कर सकते हैं उस टाइम पे जब आप कॉलेज के अंदर हैं तब आप जो है धीरे धीरे तैयारी शुरू कर सकते हैं। तो जितने भी सिलेक्शन हुए हैं जो जो बच्चों ने पहले तैयारी शुरू करी है हमेशा उनको जो है एक छोटा सा एडिड एडवांटेज हमेशा रहता है। जितने भी लेट कमर्स हैं मेरी तरह जो रहे उनको हमेशा जो है एक्स्ट्रा मुश्किल आएगी और आगे भी आएगी क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम होता है और सिलेबस बहुत ज़्यादा होता है। और आज की डेट में तो प्रीलिम्स के अंदर जो है इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन आने लगे हैं कि आप ये नहीं कर सकते कि 4 ऑप्शन के अंदर मुझे पता है कि सही कौन सा है, आपको ये भी पता होना चाहिए कि बाकी 3 ऑप्शन गलत क्यों है, तभी जो है आप जो है करेक्ट सॉल्यूशन निकाल पाएंगे, नहीं तो आप तुक्का मारेंगे और गलत हो जाएगा। और मेंस के अंदर ये है कि आपकी जो है स्ट्रॉन्ग राइटिंग और रीडिंग स्किल्स होनी चाहिए, इंटरव्यू के अंदर आपके प्रेजेंटेशन स्किल्स बहुत अच्छे होने चाहिए, तो ये सब चीज़ें जो है एक साथ आपको 1-2 साल के अंदर तैयार करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि हम एक लॉन्ग टर्म 5 वर्षीय योजना बना के चले कि हमें जो है UPSC की तैयारी करनी है तो वो टाइम निकलता जाएगा, बल्कि ऐसा होगा शुरू के 1-2 अटेम्प्ट के अंदर तो आपका जो जुनून होगा आपका पैशन होगा बहुत ज़्यादा होगा, धीरे धीरे आपका वो पैशन कम होता जाएगा, कहीं ना कहीं से आपके पेरेंट्स का प्रेशर आना शुरू हो जाएगा, आपको शादी का प्रेशर आना शुरू हो जाएगा, आपकी फैमिली बढ़ने लगेगी, तो 10 तरीके की दिक्कतें आना शुरू हो जाएंगी। तो शुरू के जो 1-2 अटेम्प्ट मैं मानता हूँ वो गोल्डन अटेम्प्ट होते हैं और उसी के अंदर जो है हमें अपना जो है लक्ष्य हासिल करना है। नेक्स्ट स्लाइड करते हैं। तो जैसा कि मैं बता रहा था कि UPSC जो है सिर्फ 3 एग्जाम नहीं लेती है, वो पूरे 2-3 साल तक आपकी जो है हर दिन आपका एग्जाम लेगी। आपने सिलेक्शन आपने अपने जो ऑप्शनल का सिलेक्शन है वो कैसे किया है, आप क्या पढ़ना चाहते हैं। मैं इंजीनियरिंग मैंने करी थी तो जब मैंने अपना पहला अटेम्प्ट दिया था तब हमारे टाइम 2 ऑप्शन होते थे, तो मैंने अपना एक ऑप्शन ज्योग्राफी और दूसरा ऑप्शन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लगा था। तो जब सेकेंड अटेम्प्ट हुआ तब एक हो गया था तब फिर मैंने ज्योग्राफी रखा, बट वो मैंने इसलिए रखा कि ठीक है मेरे को जो है ये अच्छा लगता था कि ज्योग्राफी पढ़ने में मज़ा आता था, कुछ उसके अंदर थोड़ा सा लॉजिक लगाते थे, थोड़ा सा साइंस की फीलिंग आती थी, बट ये कि किसी को हिस्ट्री अच्छी लगती है किसी को साइकोलॉजी अच्छी लगती है, तो जो आपको अच्छा लगता है वो आप लें, जिसमें आप कंफर्टेबल है वो आप लें। ऐसे नहीं है कि मैं जो है कॉमर्स का स्टूडेंट हूँ मैं ले लूँ मेडिकल साइंस तो आपको कुछ समझ ही नहीं आएगा और जो है आपके मार्क्स नहीं आएंगे। ऐसे कई स्टूडेंट जो है ये गलती करते हैं और 2-3 साल बाद उनको समझ आता है कि मैंने जो है ऑप्शन गलत ले लिया और फिर जो है मार्क्स कम आते हैं। तो एक ये भी जरूरी है कि हमेशा जो है अपनी सोच जो है बिल्कुल ओपन माइंडेड रखें, हमेशा जो है हर तरीके से हर चीज़ को समझें सोचें। कल मैं न्यूज़ देख रहा था कि गुजरात के अंदर ये बात चल रही है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की बात चल रही है,
तो इसके क्या फायदे हैं, इसके क्या नुकसान है, किस पॉलिटिकल लीडर को इसका फायदा होगा, पब्लिक को क्या फायदा होगा, देश को क्या फायदा होगा, किसको क्या नुकसान होगा, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए और ये सब चीजें आपको बराबर सोचनी पड़ेंगी। ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स जो आप अपने इर्द गिर्द रोज देखते हैं उनको आपको उनकी फील लेनी पड़ेगी, उनको सोचना पड़ेगा, तब जो आपको जो है उसका जो है बेस्ट एक्सट्रैक्ट आप निकाल पाओगे, समझ पाओगे। एक आपको जो है अपना एक फ्रेंड सर्कल अच्छा बनाना पड़ेगा, क्योंकि जनरली ये होता है कि हम अकेले पढ़ते हैं तो कई बार बोरियत होने लगती है, कई बार हमारा मोटिवेशन लेवल डाउन हो जाता है। जब मैं चेन्नई में था तो मेरे साथ दो फ्रेंड्स थे, एक लड़की थी शी गॉट इनटू आईआरएस और एक लड़का था बाद में जो है तमिलनाडु सिविल सर्विसेज के अंदर सेलेक्ट हुआ। तो हम तीनों का एक ग्रुप था जो हम आपस में स्टडी करते रहते थे, हम अपना काम बांट लेते थे कि मैं ये न्यूज़पेपर पढ़ूंगा तो ये न्यूज़पेपर पढ़ेगा, और आपस में फिर एक दूसरे के नोट्स जो है ईमेल करके एक दूसरे के साथ शेयर करते थे, तो उससे जो है हमारा टाइम बच जाता था। बट ये है कि कभी कभी आप जो है डिमोटिवेट भी होते थे तो एक दूसरे के सामने अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल लिया, अपना वेंट आउट कर लिया, एक दूसरे के साथ कहीं बाहर चले गए, कुछ डिस्कस कर लिया। तो ये फ्रेंड सर्कल होना आपका बहुत जरूरी है और साथ के साथ डिस्कशन करना बहुत जरूरी है। और एक चीज जो ये जरूरी है कि हर टॉपिक के ऊपर जो है हमारी स्टडी बहुत ही बैलेंस्ड होनी चाहिए। कई बार जो है कई स्टूडेंट्स ये गलती कर देते हैं कि एक ऑप्शनल सब्जेक्ट तो अपना बहुत ही स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं बट एक सब्जेक्ट जो है बिल्कुल ही भूल जाते हैं, तो उसके अंदर फिर मार्क्स कम आते हैं और अल्टीमेटली जो टोटल होता है वो कम हो जाता है, तो फिर जो है हमें प्रॉब्लम होती है। तो हमेशा ये ध्यान रखिए कि हमें पीएचडी नहीं करनी है बट एट द सेम टाइम हमें यूपीएससी क्रैक करनी है, सिविल सर्विस क्रैक करनी, तो उसके लिए एक बैलेंस स्टडी होनी चाहिए। हर सब्जेक्ट के ऊपर जो है आपको थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए और टाइम के हिसाब से आपको जो है अपनी नॉलेज बिल्ड करनी चाहिए। साथ ही ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हम जब पढ़ाई करें तो बिल्कुल फोकस होकर करें, ऐसा ना हो कि आज एक महीने में सिविल सर्विस की तैयारी कर लेता हूँ, अगले महीने में आरएएस की तैयारी कर लेता हूँ, तीसरे महीने में इंजीनियरिंग सर्विस कर लेता हूँ, तो अल्टीमेटली होगा ये कि किसी ने भी आप सिलेक्ट नहीं होंगे और फिर जो है एंड में जो है खुद ही को दुख होगा। तो फोकस और कॉन्सेंट्रेशन बहुत जरूरी है और जो भी आप ऑप्शनल लें, जो भी आप जहाँ पे भी रहें, ये बहुत जरूरी है कि हम जो है अच्छे से तैयारी करें और एक एक लाइन के अंदर एक पर्सपेक्टिव के साथ तैयारी करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूपीएससी जो एक चीज और हमने देखी है कि हमारी रीडिंग स्किल्स, हमारी लिसनिंग, हमारी वॉचिंग स्किल्स कैसी है, क्योंकि जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तब तक आप लिखेंगे क्या, और जब तक आप पढ़ेंगे नहीं लिखेंगे नहीं तो फिर आप सोच भी नहीं पाएंगे। तो जनरली ये होना चाहिए कि हम 3-4 न्यूज़पेपर अच्छे से पढ़ें, एक बिजनेस डेली कम से कम पढ़ें, क्योंकि जैसे मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से था, मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं था, तो हमें बिल्कुल भी समझ नहीं आता था कि डेबिट क्या है, क्रेडिट क्या है, देश की इकोनॉमी कहाँ जा रही है, कितना डेफिसिट हो रहा है, कितना निर्यात हो रहा है, आयात हो रहा है, कहाँ पैसा आ रहा है, कहाँ जा रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली देश को चलता पैसे से ही है और पैसे से चलती है सारी पॉलिटिक्स, पैसे से ही जो है सारी देश की इकोनॉमी चलती है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव है। तो एक बिजनेस या एक इकोनॉमिक टाइम्स या बिजनेस डेली कुछ ना कुछ न्यूज़पेपर हमें जो है जरूर पढ़ना चाहिए और इसकी हैबिट जो है हम अपने उसी से डाल दें, अपने कॉलेज के टाइम से ही डाल दें। जैसे हम कुछ अच्छी बायोग्राफीज पढ़ सकते हैं, या जैसे इंडिया आफ्टर गांधी, इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, इस टाइप की बुक्स जो है, बायोग्राफीज काफ़ी सारी आई हैं जो आप कॉलेज के टाइम पढ़ सकते हैं, तो आपको एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव मिलना शुरू हो जाएगा। हर ऑथर जो है अपने हिसाब से हिस्ट्री को, अलग अलग सब्जेक्ट्स को कवर करता है, वो आपको पता चलना शुरू हो जाएगा, तो आपकी जो है बेसिक नॉलेज वैसे ही बनना शुरू हो जाएगी और आपको जो है एक ओवरऑल पिक्चर बनना शुरू हो जाएगी। एक छोटा सा मैं वाक्य आपको सुनाता हूँ। जब मैं फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर अपना इंटरव्यू दे रहा था, तो 2011 की बात है, अप्रैल या मई में मेरा इंटरव्यू था। चूँकि मैं चेन्नई से था, इंजीनियरिंग करी थी, तो जब मैं इंटरव्यू बोर्ड में गया तो मेरे बोर्ड के चेयरमैन थे श्री के पॉल, जो दिल्ली पुलिस के कमिश्नर रहे और बाद में यूपीएससी के मेंबर बने। तो उन्होंने मेरे से एक सवाल पूछा कि आपने रोबोट पिक्चर देखी है, तो मैंने कहा सर देखी तो नहीं है, बस नाम सुना है। तो बोला आप क्या जानते हैं इसके बारे में, तो मैंने कहा कि सर इतना पता है कि इसके अंदर रजनीकांत थे और ऐश्वर्या राय की दोनों की मूवी है। तो बोला नहीं कुछ और बताओ, तो मैं बिल्कुल ब्लैंक था, मैंने मूवी देखी नहीं थी। तो फिर मैंने कहा कि सर मेरे को ऐश्वर्या राय का डांस बहुत अच्छा लगा। तो सभी बोर्ड ने जो है खूब जोर जोर से ठहाके लगाए, सभी बहुत जोर से हंसे और बोला ठीक है आप जाइए। और बाद में जब मेरे इंटरव्यू के मार्क्स आए, तो उस टाइम 300 मार्क्स का इंटरव्यू होता था, मेरे सिर्फ 150 नंबर आए। इस क्वेश्चन के अलावा मैंने सारे क्वेश्चन के आंसर जो है बहुत अच्छे से दिए थे, बट सिर्फ एक रोबोट पिक्चर देखने नहीं देखने से मुझे लगता है शायद मेरे 10-20 नंबर कट गए। अगर वो नंबर आ गए होते तो शायद मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सिलेक्ट हो जाता, ऐसा मुझे मानना है। तो कहने का मतलब ये है कि आपको जो है अपने आँख नाक कान बिल्कुल आपके खुले रहने चाहिए,
सिर्फ किताबों में ही जो है पढ़ना जरूरी नहीं है, आपको जो ज्ञान है, नॉलेज है, वो कहीं से भी मिल सकती है। वो आपको इंटरनेट से मिल सकती है, वो फेसबुक से मिल सकती है, वो डॉक्यूमेंट्री से मिल सकती है, वो इंटरनेशनल टीवी चैनल्स हैं, बीबीसी है, सीएनएन है, न्यूयॉर्क टाइम्स है, कुछ भी आप पढ़ें वहाँ से मिल सकती है। ऑनलाइन डिबेट्स आप सुन सकते हैं। हम जब उस टाइम तैयारी करते थे तो कई बार बोर होते थे तो हम लोकसभा टीवी, राज्यसभा टीवी खोल के सुनने लग जाते थे, तो उससे जो है एक चेंज हो जाता था, टीवी भी दिख जाता था। ऑल्दो ये है कि आज तक और एनडीटीवी टाइप के चैनल देखने का तो टाइम नहीं था, तो मसाला न्यूज तो नहीं देख पाते थे, बट हाँ चेंज के लिए हम वो देख लेते थे। बट आज तो मैं देखता हूँ कि इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पर अवेलेबल है, आपको बुक्स की ज़रूरत ही नहीं है। आप किसी भी न्यूज़पेपर को उठा लें, उसके लिए ऑनलाइन ऐप आपके एंड्रॉयड फ़ोन में मिल जाएगी। तो आप जो है इन्फॉर्मेशन इतनी सारी है कि आप, ऐसा नहीं है कि आपको एक जगह बैठ के पढ़ाई करनी है। अगर आप ट्रेन में भी ट्रैवल कर रहे हैं तो ट्रेन में भी बैठे रहते अपने मोबाइल पर जो है प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है आपकी एक ओवरऑल पिक्चर हमेशा अपने दिमाग में क्रिएट रखें कि कहाँ क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। ये भले ही मेन्स और इंटरव्यू में शायद आप उस टाइम आपको ना इम्पोर्टेंट लगे, बट आपको इंटरव्यू के टाइम डेफिनेटली इम्पोर्टेंट लगेगी। और तब एक महीने डेढ़ महीने का आपके पास टाइम होगा, तब हम इतनी एक्सटेंसिव इन डेप्थ प्रिपरेशन इंटरव्यू के लिए नहीं कर पाएंगे। तो हमेशा ये जो है इस चीज़ का ध्यान रखें कि हमें एक ओवरऑल पिक्चर अपने दिमाग के अंदर बना के चलें। नेक्स्ट करते हैं। एक चीज़ मैं आप लास्ट में कहना चाहता हूँ कि जैसे जब मैं फर्स्ट अटेंड करने के बाद सेकेंड अटेंड में मेन्स के पहले दिल्ली आ गया था, तो दिल्ली एक समुंदर है, वहाँ पर आपको इतने सारे नोट्स मिलेंगे। कोई बोलेगा ये यूपीएससी टॉपर 2016 बैच 17 बैच, इनके ये हैंड रिटन नोट्स हैं, ये नोट्स हैं, आपको लगेगा यार टॉपर वन है, इसके नोट्स मैं भी पढ़ लेता हूँ, शायद मैं भी टॉपर वन बन जाऊँगा। ऐसा नहीं है, चाहे कितने भी नोट्स हैं आपको लिखने अपनी हैंड राइटिंग से पढ़ेंगे। जब तक आप लिखेंगे नहीं तब तक आपको याद नहीं होगा, और जब तक आपको याद नहीं होगा आपकी जो क्लैरिटी है दिमाग के अंदर वो नहीं आएगी। तो हमेशा जो है अपने नोट्स खुद बनाएं, अपने हाथ से अपने पेन से उसको लिखें, और छोटे छोटे जो है पॉइंट्स बना के रखें, तो जाके जब आपको लास्ट में रिवीजन करना हो तो आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है। जनरली देखते हैं कि लास्ट के 3-4 दिन होते होते बचते बचते एकदम से एंजाइटी आने लगती है कि यार एग्जाम आ रहा है, अब क्या करें, कुछ याद नहीं है। तो ऐसा इस सब चीज़ से बचने का एक तरीका है कि अपने नोट्स बना के रखें, अपने शॉर्ट हैंड नोट्स आपके होने चाहिए, जिसको हम स्निपेट्स भी कह सकते हैं, कुछ छोटे डायग्राम्स कह सकते हैं, वेन डायग्राम्स कह सकते हैं, फ्लो चार्ट्स कह सकते हैं, इस टाइप की कुछ विजुअल मेमोरी आप जो है अपने पास बना के रखें कि हाँ मेरे को एक हफ्ते के अंदर ये रिवीजन करना है, 3 दिन के अंदर ये रिवीजन करना है, एग्जाम से 24 घंटे पहले ये रिवीजन करना है। तो आपको फैक्ट्स फिगर्स इतने दिए हैं, बिल्कुल आपके टेक्स्ट पे रहेंगे, और कोई भी क्वेश्चन आएगा बिल्कुल आप कॉन्फिडेंटली बिल्कुल पैशनेट होकर जो है उसका आंसर एग्जाम के अंदर लिख के आएंगे। और जब ऐसा करेंगे तो अपने आप ही जो है आपके मार्क्स जो है बहुत ज़्यादा है। एक लास्ट स्लाइड कर दी। एक जनरली ये चीज़ होती है कि जो अगर हम अपने आप को लकी समझते हैं कि अगर हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन हो जाए, बट अगर इनकेस फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं होता है, लेक्चर सेकंड में होता है, थर्ड में होता है, तो कहने की चीज़ है कि नेवर गिव अप। अब एक चींटी को देखिए, वो बेचारी चढ़ती रहती, फिर गिरती है, फिर चढ़ जाती है। तो ये एक सिंपल सी चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि कभी भी जो है हार ना माने, कोशिश अपनी करते रहे, कोशिश करना ही हमारे हाथ में है, उसके अलावा जो है हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। मैं आज भी याद करता हूँ कि अगर मेरे आईबीएम के मैनेजर ने ये नहीं कहा होता कि जो है मैं अगर तू फिर से एक बार अटेम्प्ट दे, कोशिश तो करके आ, हो सकता है तेरा सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि तब तक मार्क्स डिस्क्लोज नहीं होते थे। मार्क्स डिस्क्लोज होते थे रिजल्ट आने के 2-3 महीने बाद तक। तो जब मार्क्स रिजल्ट डिक्लेयर हुए तब मुझे पता चला कि मेरे मेन्स में तो बहुत अच्छे मार्क्स थे, सिर्फ इंटरव्यू में मेरे जो है कम मार्क्स रह गए, तो शायद मैं अच्छी तैयारी कर लेता तो शायद पहले अटेम्प्ट में ही सिलेक्शन हो जाता। तो ये है कि आप अच्छे से जो है तैयारी करते रहें, अटेम्प्ट आप दें, और ये कोशिश करें कि जो है हमारा काम सिर्फ मेहनत करना है। आप जो है एक बेसिक्स प्रिपरेशन करके जो है फिर जो है आप आगे की तैयारी करें। जब से सेकंड अटेम्प्ट में दिल्ली आ गया तो फिर मैंने अपनी ये सारी गलतियां सुधारने की कोशिश करी कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों मेरे मार्क्स कम आए, कहाँ आए। मैंने 3-4 टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी, अलग अलग कोचिंग के अंदर जो टीचर्स थे उनको कॉन्टैक्ट किया, उनके अपने आंसर्स दिखाए, फिर उनसे पूछा कि कहाँ मेरे मार्क्स कम आ सकते हैं, कौन से टॉपिक्स हैं जो मुझे और पढ़ने चाहिए, कौन सी जो है मुझे जैसे लोगों से फीडबैक लेना है। इंटरव्यू से पहले मैंने काफ़ी सारे मॉक इंटरव्यूज दिए, फिर अपनी उन रिकॉर्डिंग्स को वापस सुना कि मैं कैसे बैठा हूँ, क्या कर रहा हूँ, तब जाके जो है अपने आप को जो है हम रिफाइन कर पाते और जो है हमें जो है सही पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है।
लास्ट लाइन में तो अंत में मैं यही कहना चाहूंगा और इस भगवत गीता के इस श्लोक के साथ मैं जो है इसको जो है वाइंड अप करना चाहूंगा कि जो ये कहती है कि कर्मण्य बाधिकार है मां प्रेषित कर पहले का तात्पर्य है कि हमारे पास अधिकार है काम करने का, हमारे पास अधिकार नहीं है फल का, हम ये नहीं चाह सकते कि मैंने ये काम किया है मुझे इसका ये फल मिले, वो तो हमारे हाथ में नहीं है, बट हमारे पास में डेफिनेटली ये चीज है कि हम अपना काम करें, अपनी मेहनत करें, तरीके से करें, सही तरीके से करें और बाकी सब जो है भगवान के ऊपर छोड़ें। अगर आपकी डेस्टिनी में लिखा है बनना तो आप बन के रहेंगे, उसको आप कोई रोक नहीं सकता, बट मेहनत करना हमारा काम है। बिना मेहनत करे तो जो है कुछ भी नहीं मिलता, बिना मेहनत करे तो चोर को भी जो है पैसा नहीं मिलता, चोरी करने के लिए भी उसको मेहनत करनी पड़ती है। तो जो है इस चीज के साथ जो है मैं अपना ये प्रेजेंटेशन एंड अप करता हूँ और आप सभी को और मुझे खुशी है कि आने वाले समय में हमारे समाज से कुछ बच्चे जो है सिविल सर्विसेज के अंदर सिलेक्ट होंगे और आगे जाके अपने देश का और अपने समाज का अपने गाँव का नाम रोशन करेंगे। धन्यवाद।